अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ओवरलैप गलत तैयार किया है, जिसमें हमने ये पट्टियाँ लगाई हैं। ठीक है, ये प्लेटों वाली हमारी पट्टी है और ये जो पट्टी हमने लगाई है इस पर हमने पेंटेक्स दिए हैं। ठीक है, और इसके साइड में हमने लिप्स लगा लिए और यहाँ पे हमने इसके बटन लगाए। ठीक है, और इस वीडियो को आपको गौर से ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि गला जो है ना हमारा बड़ा छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको जो मेजरमेंट बताता हूँ, आप एक भी जो है ना पॉइंट को स्किप ना करें। ठीक है, जैसा 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 मैं बताता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, गला बिल्कुल फिक्स आएगा, ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम एक साइड से लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस साइड पे थोड़ा सा खींच देते हैं इसको कपड़े को, या तो लूज रख देते हैं। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, कपड़े को हमें नॉर्मल रखना है, ना तो ज़्यादा लूज रखना है ना तो ज़्यादा टाइट रखना होता है। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि गला बिल्कुल फिक्स किस तरह बैठता है। चलो शुरू करते हैं, गला हमने किस तरह तैयार किया है। ये देखिए हमारे पास दो पट्टियाँ हैं। ठीक है, ये हमारे कमीज़ के कलर की पट्टी है जो कमीज़ में से हमारे साइड में से बची है। ठीक है, और ये हमारे कमीज़ में कंट्रास्ट आ रहा है उसकी पट्टी है ये। ये देखें जैसे कि ये कलर आ रहा है। ठीक है, कंट्रास्ट की कोई भी आप पट्टी ले लें। एक ही हमने पट्टी ले ली है, 2 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है ये, इस पर मैंने बुकरम लगाई हुई है। ठीक है, इस पर हमने पेंटेक्स देने हैं इस तरह आड़े में, इस तरह आड़े में पेंटेक्स देने हैं। ठीक है, 1-1 इंच के गैप से, 1-1 इंच के गैप से हम यहाँ पे पेंटेक्स दे देंगे पूरी पट्टी पे। और ये एक हमारी पट्टी है, इस पर हमने कोई बुकरम नहीं लगाई, इस पर हमने प्लेटें देनी है। यहाँ से हम पहले इसे मोड़ के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, फिर यहाँ से इसे पलट लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे सीधी सिलाई लगाएंगे। मैं आपको मशीन पे तैयार करके बताता हूँ, इसमें हमें प्लेटें देनी है। पहले हम इस कपड़े पे प्लेटें दे देते हैं, इसे यहाँ से मोड़ लेंगे। ठीक है, ये पट्टी भी हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है, यहाँ से इसे मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इसे। इसे पलट लेंगे, इसे यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली, अब यहाँ पे हम प्लेटें देंगे। यहाँ से हम इसे तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, आधे इंच से थोड़ी सी पतली प्लेट देनी है हमें। आप आधे इंच की भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरह हमारी प्लेट आएगी। ठीक है, फिर दूसरी प्लेट हमारी यहाँ पे इस तरह आ जाएगी, इस प्लेट से इस तरह मिल जाएगी। पूरी पट्टी में इसी तरह प्लेटें दे देंगे, तकरीबन 25 इंच की हमारी पट्टी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने प्लेटें दे दी पूरी पट्टी पे। ठीक है, ये 30 इंच की हमारी प्लेटों की पट्टी तैयार हुई है। आप 25-26 इंच की भी तैयार कर सकते हैं, हमारे पास कपड़ा था हमने तैयार कर दिया अपनी पट्टी। ठीक है, अब इसे हम पेंटेक्स देंगे, यहाँ पे हम इसे इस तरह मोड़ के यहाँ पे पेंटेक्स दे देंगे 1-1 इंच के गैप से। इस तरह हम पूरी पट्टी में पेंटेक्स दे देंगे, 45 इंच लंबी हमारी ये पट्टी है। ये मैंने पेंटेक्स दे दिया पूरी पट्टी में। ठीक है, इस पट्टी को हम यहां से मोड़ के प्रेस कर लेंगे एक साइड से। पूरी पट्टी को इसी तरह हम प्रेस कर लेंगे। ये मैंने पट्टी प्रेस कर ली। ठीक है, अब इस पट्टी का हम सेंटर करेंगे। ये पट्टी हमारी तकरीबन है 41 इंच लंबी, ये देखें 12.5-20 इंच आ रही है, तो 41 इंच पूरी लंबी पट्टी हो गई हमारी। अब इसे हम यहाँ पे तकरीबन 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड पे भी आ जाएगा और इस साइड पे भी हम ऊपर निशान लगा देते हैं, ये आ गया हमारा निशान। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा और हमारा सेंटर ये रहा। यहाँ पे हम इसे प्रेस कर देते हैं, इस साइड पे भी इसी तरह प्रेस कर देते ताकि हमें निशान का सही पता चले।
ठीक है, ये निशान आ गए हमारे। अब हमने जो प्लेटों वाली पट्टी दी थी, ये पट्टी हमारी, अब देखिए हमारा जो सेंटर है वो ये रहा, और जो हमारे हमने ये साइड के निशान लगाए वो ये रहे हमारे। सेंटर ये रहा हमारा और निशान हमारा ये रहा, ठीक है। अब ये देखिए हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था, तो इस जगह पे हमारी जब सिलाई लगेगी तो ये 3.5 इंच आ रहा है हमारा पूरा, ठीक है। 1 इंच चौड़ी हमने ये पट्टी शो करनी है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 1 इंच पट्टी शो होगी। इसे हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे, प्रेस कर लेंगे, और दूसरी साइड भी इसी तरह हम करेंगे। अब इसे हम यहां से नापेंगे, 10 इंच पे मैं इसे निशान लगा लूंगा। अब ये पट्टी लगानी है हमें, पट्टी को हमने एक साइड से यहां से पक्का किया तो एक साइड हमारी कच्ची है, ठीक है, एक साइड हमारी नीचे चली जाएगी। अब इसे हमने यहां पे इस तरह रखना है, ये एक पट्टी ली हुई हमने इसकी नीचे फिनिशिंग के लिए 2 इंच चौड़ी। हम इसे यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम इसे सिलाई लगाते हुए आएंगे, फिर यहाँ पे हम इसे पट्टी इस तरह रख लेंगे इस निशान से जो हमने ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे हम इसे रख के इसी तरह पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली पूरी पट्टी पे, ठीक है। यहाँ से भी हमारी पट्टी जो है ना यहाँ पे बीच में ख़त्म हो गई, पूरी नीचे तक नहीं गई। अब इसे यहाँ से इस तरह मोड़ेंगे, अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे इसे। आप इसे 1 इंच के गैप से सिलाई लगा सकते हैं, या ऐसे ही एक सिलाई लगा के बाद में निशान लगा के 1 इंच का, हम 1 इंच के हिसाब से इसकी सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने सिलाई लगा ली पूरी, ठीक है, और ये पट्टी के सेंटर मैंने कर लिया, कट लगा लिया यहाँ पे। ये हमारा बैक में जाएगा कट। अब यहाँ पे मैं इसे 5 इंच के गैप से निशान लगा लेता हूँ, 5 इंच का यहाँ पे और 5 इंच का इस साइड पे। अब ये मैंने लूप्स डोरी तैयार करके कटिंग कर ली इनकी, ठीक है, तकरीबन 2 इंच, 2.25 इंच लंबे हमारे ये। अब इसे हम यहाँ पे लूप्स लगाएंगे। अब ये वाली पट्टी हमारी नीचे आती है, ये वाली साइड हमारी ऊपर आती है पट्टी की, ठीक है। ये पट्टी जो हमारी यहाँ से पक्की भी हुई है, ये हमारी कच्ची है यहाँ से, ठीक है। तो इस साइड पे जो है ना हमने ये सादा जो छोड़ा हुआ है इसे हम यहाँ पे लूप्स नहीं लगाएंगे, तकरीबन ये हमारा है 8.5 इंच है, ठीक है। तो इस जगह पे हमारे लूप्स नहीं आएंगे, इस पट्टी पे हमारे यहाँ तक के लूप्स आएंगे, और दूसरी साइड पे हमारी पूरी नीचे तक लूप्स आएंगे। अब इस निशान से हम इसे लूप्स लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, उसके बाद थोड़े से गैप से हम इसे 3 लगा लेंगे, फिर 2 लगा लेंगे। ठीक है, इसके यहाँ तक के लगा लेंगे, दूसरी साइड के हम पूरे नीचे तक लगा लेंगे। ये मैंने लूप्स लगा लिए, ठीक है, इस साइड की पट्टी के मैंने यहाँ तक की पट्टी तक लगाए, और इस साइड के मैंने नीचे तक लगा लिए, तकरीबन 2.5 इंच का हमने सादा छोड़ दिया नीचे। अब इस पट्टी को हम यहाँ से इस तरह मोड़ के सेट करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये साइड हम इस ये जो हमारी सिलाई आ रही है इसके बराबर में इस तरह रख लेंगे, यहाँ पे इसे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, फिर हम फ्रंट पे इसकी गले की कटिंग करेंगे। ये मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली, इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे बैक से, यहाँ सेंटर का कट लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे,
अब इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे, ठीक है। पट्टी की हमारी सीधी साइड ये रही, वो इस सीधी साइड से इस तरह मिला लेंगे। यहाँ पे इसे रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारी सिलाइयाँ लगी हुई, इस सिलाई से हम शुरू करेंगे और इस सिलाई पे लाके ख़त्म कर देंगे। अब इसे यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ से पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे। और ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है, इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरी पट्टी घुमा दी, हमारी पट्टी बिल्कुल फिक्स आई है इसके अंदर, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे। इस शोल्डर से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे इसे। यहाँ पे इसे इस तरह सेट करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक के मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद मैंने इस पे बटन लगा दिए। ये हमारा गला तैयार हो गया।